नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवंत राय, आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन एंड कंपनी। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने वीडियो बनाई है वो एल्यूमिनियम विंडोज या एल्यूमिनियम को साथ में लेकर बनाई हुई है। तो ये जो वीडियो है वो है स्लाइडिंग डोर के बारे में, और ये जो स्लाइडिंग डोर है वो है फ्रेमलेस स्लाइडिंग डोर। तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम फ्रेमलेस स्लाइडिंग डोर को किस तरह से बनाते हैं और उसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है। तो ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैंने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की है इसके अंदर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा कि जो स्लाइडिंग डोर्स हैं इनकी अप्रोक्सीमेटली क्या कॉस्ट होती है, कितने एमएम के ग्लास हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको जानकारी जो है वो पूरी मिलेगी। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेमलेस ग्लास डोर बनाने के लिए पहले हम ले लेंगे जगह की मेजरमेंट, जिस जगह पर हमें ग्लास डोर बनाना है। अब यहाँ पर हमें दो ग्लास डोर बनाने हैं, दो फ्रेमलेस ग्लास डोर साइड साइड में, जो कि सेंटर में आके खुले। तो हम पहले देख लेंगे कि हमारे फिटिंग्स क्या हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दो फिटिंग्स हैं, दो बेयरिंग्स और पैच फिटिंग है अटैच्ड, क्योंकि ये फ्रेमलेस डोर है। इसी के अंदर जो ग्लास डोर्स हैं वो इसी से अटैच्ड रहेंगे। तो हमें ये जो बेयरिंग्स हैं इसके हिसाब से ग्लास में स्लॉट्स करवाने होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ग्लास वाले को ये फिटिंग दे सकते हैं, तो वो इसके हिसाब से ग्लास में स्लॉट्स काट देगा। ये हमारे स्लाइडिंग डोर का ट्रैक है जो कि ऊपर इंस्टॉल होगा। देखिए, कुछ इस तरह के जो स्लॉट्स हैं वो हमें ग्लास में कट करने होंगे ऊपर की तरफ। तो चलिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ट्रैक्स में होल कर लेंगे, जिससे कि हम ट्रैक को ऊपर की तरफ इंस्टॉल करेंगे तो हम इन्हीं होल्स में स्क्रू करेंगे। तो पहले हम होल कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि छोटे होल्स करेंगे, फिर उसको ऊपर से काउंटेशन कर देंगे कि स्क्रूज जो हैं वो अच्छे से अंदर जाकर बैठ जाएं। ट्रैक्स में होल हो जाने के बाद हम ट्रैक्स में बैरिंग्स इंसर्ट कर देंगे, और जो हमें सॉफ्ट स्टॉपर डालना है वो भी हम अंदर इंस्टॉल कर देंगे कि जो डोर्स हैं वो झटके से जाकर एंड्स में लड़े नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने दो दरवाजे के लिए जो फिटिंग्स हैं ऊपर के रोलर्स हैं वो डाल दिए हैं। दो रोलर्स जो हैं वो एक दरवाजे में लगेंगे, दो रोलर्स एक दरवाजे में लगेंगे, और उसी के हिसाब से हमें जो स्टॉपर डालना है वो भी हमने डाल दिया है एंड्स में। अब हम ट्रैक को ऊपर की तरफ स्क्रू करके इंस्टॉल कर देंगे। इस तरह के फ्रेमलेस डोर इंस्टॉल करने के लिए दो आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, एक अकेला बंदा इसे इंस्टॉल नहीं कर पाएगा, तो दो लोग कम से कम चाहिए ऐसे डोर्स इंस्टॉल करने के लिए। ऊपर की तरफ होल की मार्किंग की हुई है तो हम होल मार लेंगे, और होल्स करने के बाद में हम ट्रैक्स को ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। होल्स हो जाने के बाद हम ट्रैक को ऊपर रख कर स्क्रू टाइट कर लेंगे, तो हमारा जो ट्रैक का इंस्टॉलेशन है वो हो जाएगा। तो अब हमारा ट्रैक जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब ग्लास के डोर्स लगाने की बारी आती है। तो ग्लास के डोर्स लगाने के लिए पहले हमें जो ऊपर की फिटिंग है उसे खोलना होगा एक तरफ से। तो वो जो फिटिंग है वो एलन की पे होती है, जो एलन की आती है उसके ऊपर वो फिटिंग बंद होती है। तो हम वो एलन की से खोल लेंगे। अब एलन की से खोलने के बाद ही हम ग्लास को उसके अंदर लगा सकते हैं। तो अब हमारी जो ये फिटिंग है वो निकल चुकी है बाहर, आप देख सकते हैं। तो अब हम ग्लास लगाएंगे और फिर इसे फिर से इंस्टॉल कर देंगे। तो ये देखिए, अब हमने ये जगह पर ग्लास को रख दिया है, और ग्लास को जगह पर लाकर हम ये फिटिंग को जो है उसके स्लॉट्स के बराबर, यानी कि उसके जो खांचे हैं
उसके बराबर लाकर हम खड़ा कर देंगे। नीचे से हमें ग्लास के लिए कुछ सपोर्ट डालना होगा, क्योंकि उसको थोड़ा हमें हाइट में रेस करना होगा, तभी वो स्लॉट में बैठेगा। तो हम उसे थोड़ा सा रेस करेंगे, नीचे कोई लकड़ी डालकर या फिर किसी तरह की पैकिंग डालकर, फिर हम इसे जगह पर बिठाकर जैसे हमने एलनकी से फिटिंग को खोला था उसी तरह से हम फिर से वो फिटिंग को टाइट कर देंगे। तो जैसे ही फिटिंग टाइट हो जाएगी तो हमारा जो डोर है वो ऊपर की तरफ लटक जाएगा, यानी कि वो अपने जगह पर सही तरह से इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम उसे ट्रैक में स्लाइड कर सकते हैं। तो अभी हमने एक तरफ की एलनकी जो है वो खोल कर टाइट कर दी है, ग्लास लगा दिया है उसमें। अब दूसरी तरफ की भी जो फिटिंग है उसमें भी हम इसी तरह से ग्लास को टाइट कर लेंगे, तो इसका जो इंस्टॉलेशन है ये वाले डोर का वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा। फिर हम इसी तरह से दूसरा जो दरवाज़ा है हमारा उसे भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक दरवाज़ा है वो ऊपर अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम इसे स्लाइड करके देखेंगे ये सही तरीके से स्लाइड हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी आसानी से स्लाइड हो रहा है, यानी कि इसका इंस्टॉलेशन जो हुआ है वो परफेक्ट हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत स्मूथली जो है ये स्लाइड हो रहा है। अब जो हमने ऊपर एक स्टॉपर की जो फिटिंग होती है उसे हम उसके जगह पर टाइट कर लेंगे। स्टॉपर लगने से क्या होगा कि डोर जो है वो अगर किसी ने झटके से इसे बंद किया तो वो आकर ज़ोर से दीवार में नहीं लड़ेगा, उसकी स्पीड जो है वो स्टॉपर स्लो कर देगा। डोर्स इंस्टॉल होने के बाद हम जो कंसील हैंडल होता है उसे उसकी जगह पर लगा लेंगे। तो वो बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन होता है, उसके जो स्लॉट्स कटे होते हैं कंसील हैंडल के उसी को हमें उसी में हैंडल इंसर्ट करके हमें घुमा देना है। तो एक साइड से आप होल्ड करके दूसरे साइड से आप जैसे ढक्कन खोलते हैं उसी तरह से आप घुमा देंगे तो हैंडल जो है वो टाइट हो जाएगा। आपको एक बार स्टॉपर की सेटिंग कैसे करनी है ये हम दिखा देते हैं। देखिए ये आप जो ऊपर वाइट कलर का जो एक फिटिंग देख रहे हैं वो स्टॉपर है, तो हमें जहाँ पर स्टॉप करना है वहाँ पर हमें दरवाज़ा वहाँ तक लाकर हम उसे देख लेंगे और मार्किंग कर लेंगे, और मार्किंग करने के बाद हम इस जो स्टॉपर है उसको हम जगह पर एलनकी से टाइट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने स्टॉपर को जो है वो दीवार से थोड़ा छोड़कर हमने टाइट किया हुआ है, जिससे कि जो ग्लास है वो दीवार तक पहुंचने तक उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाए और वो पूरी तरह से दीवार को टच ना करे। ये यू गाइड है, ये नीचे की तरफ लगती है, ये डोर को सीधे रखने के काम आती है। डोर का एक हिस्सा हमेशा यू गाइड के अंदर होता है ताकि वो डोर हिले नहीं अपनी जगह से। आप देख सकते हैं कि डोर जो है वो ऊपर की तरफ से लटकता है, इसलिए डोर जो है अगर उसे थोड़ा भी धक्का लगेगा तो वो हिलेगा, तो उसको सीधा रखने के लिए ये जो यू गाइड है वो काम आती है। तो डोर का एक हिस्सा जो है वो हमेशा यू गाइड के अंदर होता है ताकि वो अपने जगह से हिले ना। तो हम यू गाइड को उसकी जगह पर रख कर मार्किंग कर लेंगे और फिर हम होल्स ड्रिल करके उसे हम जगह पर फिक्स कर लेंगे। यू गाइड फिक्स हो जाती है तो हमारा जो इंस्टॉलेशन है डोर का, स्लाइडिंग डोर का, इसे फ्रेमलेस स्लाइडिंग डोर कहते हैं, तो ये जो फ्रेमलेस स्लाइडिंग डोर का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि डोर की इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बात करते हैं प्राइस की। तो ये जो डोर्स हैं ये आपको 550 रुपये से लेकर 1100-1100 रुपये पर स्क्वायर फीट तक पड़ सकते हैं।
इसमें जो कॉस्टिंग है वो डिपेंड करती है कि आप कौन से ब्रांड का हार्डवेयर खरीद रहे हैं, क्योंकि कुछ ब्रांड्स जो हैं वो काफ़ी सस्ते हैं, कुछ ब्रांड्स जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली है। तो आप अच्छे ब्रांड्स में जाएंगे तो कॉस्ट भी जो है वो बढ़ती जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो से जानने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से जुड़े हुए कोई आपके सवाल हैं तो कमेंट्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।